इटारसी जनपद के लंका थाना अंतर्गत एक नाले के समीप 19 दिसंबर को मिले सैकड़ों शिवलिंग के बारे में वाराणसी पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। आपको बता दें, आज वाराणसी एसएसपी आनंद कुलकर्णी ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में खुलासा करते हुए कहा कि 19 दिसंबर को नाले के पास फेंके गए मलबे और सैकड़ों शिवलिंग विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के नहीं है, बल्कि एक निजी मकान के मलबे से निकले हुए हैं। आपको बता दें, इस मामले में दो लोगों के खिलाफ लंका थाने में मुकदमा दर्ज भी है। वहीं एसएसपी वाराणसी ने बताया कि शिवलिंग का मलबा वाराणसी के मदनपुरा स्थित एक निजी मकान से निकाला गया था, जिसे ट्राली वाले और ठेकेदार लंका इलाके में प्लाट भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वाराणसी से पीपीसी रिपोर्टर नवीन प्रधान के साथ आफताब आलम की ये रिपोर्ट। ये 19/12/18 को लंका थाना क्षेत्र में रोहित नगर में एक भंटू यादव के प्लॉट पे कुछ शिवलिंग, जिसमें से कुछ शिवलिंग टूटे फूटे हुए थे, वो मिले थे। और उसके ऊपर क्षेत्रीय जनता के द्वारा और वहाँ मौके पे पहुँचे कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई थी, और इसकी जांच करने हेतु एक FIR रजिस्टर की गई थी। इस जांच में पुलिस के द्वारा SP सिटी और SP क्राइम के टीम के द्वारा इसकी गहराई से जाँच की और कई लोगों से पूछताछ की, तो ये तथ्य सामने आया कि मदनपुरा स्थित एक जगह से इन अवशेषों को और इस मलबे को उठाया गया है। और वो स्थान भी बाद में चिन्हित हुआ, वो प्लॉट सुमन मिश्रा का है, जहाँ पे ये सारे शिवलिंग जो थे वहाँ पे उस मकान में तोड़फोड़ का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, डिमोलिशन का काम चल रहा है। उसी में खुदाई के दौरान ये शिवलिंग मिले थे। सुमन मिश्रा के मकान में उस प्लॉट पे एक मंदिर भी स्थित है, जो पुराना टाइप का मंदिर है और वो जर्जर स्थिति में था, और वही मलबा उन्होंने हटाने के लिए दिया था, जिसको भंटू यादव के प्लॉट पे जो है डालने का काम हुआ है। पूरी तरह से इस घटना का खुलासा हुआ है, पता चला है कि ये किसके द्वारा फेंके गए थे। इस पे आगे क्या कार्रवाई हुई इसके संबंध में, और हम लोग जाँच कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। इसमें ये देखा जा रहा है कि ये इसका जो कुछ लोगों के द्वारा यूज़ किया गया धार्मिक भावना भड़काने के लिए, उस बिंदु पे हम लोग जांच करेंगे और जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, जो शिवलिंग बरामद हुआ है सर, वो तो पूजा पाठ नहीं हुआ लग रहा है। जो दोनों मैच हो रहे लगभग जो है, जो वहाँ मौके पे है और जो सुमन मिश्रा के प्लॉट में है, दोनों शिवलिंग जो है वो सेम टाइप के है। अभी भी मौके पे जाएंगे तो वहाँ पे मिलेंगे कुछ शिवलिंग। जिस मकान को इन्होंने खरीदा है उससे जुड़ा हुआ है, मोहल्ले के लोगों ने उनसे कहा था, राजेंद्र मिश्रा जो कि नगर निगम है, इनसे कहा कि आप इसको भी तोड़ के नया बना दीजिए। वो उसके मलबे को हटा करके उस मंदिर को रिनोवेट करना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं। अभी जाएंगे नीचे तो उसमें खुदाई में पत्थर और तमाम इसके टुकड़े नीचे पड़े हैं, फर्श के नीचे भी दबे। उसमें कितने मंदिर बनता था क्या वहाँ पे? नहीं नहीं बनता नहीं, वो पुराना शिवालय है, गिरा हुआ खंडहर, उस मकान के हिस्से से जुड़ा हुआ।